हाउ कैन वी चेक द डिविजन्स क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे डिविजन के आंसर को चेक किया जाता है। तो चेक करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इज 770 डिवाइडेड बाय 28। अब देखिए यहाँ पर 28 की टेबल किसी को भी नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि 28 की टेबल पहले रफ कॉपी में बनानी होगी। जब आप 28 की टेबल बना लोगे, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो 770 तो आपका क्या हो गया, 770 इज अ डिविडेंड, 28 इज अ डिविजर। तो आप एक रफ लाइन खींच लेंगे अपने राइट हैंड साइड पे, तो 28 टू द 2 8 16 का 4 1 5। तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से टेबल बनाते हैं, 56। अब आपको मैंने न्यू मेथड से किया था, तो हम इधर जीरो लगाएंगे, तो इधर भी जीरो, माइनस जीरो माइनस जीरो जीरो, सेवन माइनस सिक्स सेवन माइनस फाइव टू, तो 210। अब देखना आपको कि 28 की टेबल आपको वहां तक बनानी है जहां तक की 210 नहीं आ जाता। 28 4 4 8 4 2 8 और 3 11। 28 5 5 8 40 का जीरो कैरी ऑफ 4 5 10 4 40, ठीक है, 140। नेक्स्ट इज 28 को हम किससे कराएंगे, 6 8 6 8 48 8 4 6 2 12 4 16। ओके, नेक्स्ट इज 7 7 8 56 का 6 कैरी ऑफ 5 7 2 14 5 19। ओके, एंड नेक्स्ट इज 28 को हम 8 से करेंगे, 8 8 64 का 4 कैरी ऑफ 6 8 16 6 22, तो 224 हो रहा है, जो कि ज्यादा है, 7 टाइम्स जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 टाइम्स 196, देन माइनस 0 माइनस 6 वी कैन नॉट सबट्रैक्ट, तो देन वी कैन बोरो नेक्स्ट नंबर। ओके, सो नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 1 से हम बोरो करेंगे 0 की जगह 10 और 1 की जगह 0, 10 माइनस 6 4, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो 2 की जगह 1, 10 माइनस 9 1, तो रिमाइंडर से क्या बच रहा है आपका, 14। और अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर को भी चेक कर लेंगे, और 20 प्लस 1 27 इज अ परसेंट, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजर इज 28 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 27 एंड प्लस इज रिमाइंडर 14। तो 28 को पहले आप 27 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 डिजिट नंबर है, 7 8 56 5 7 2 14 5 19 2 8 16 का 6 कैरी ऑफ 1 2 2 4 7 5 then 7 plus 6 9 plus 6 15 5 carry off 5 plus 1 6 plus 7 7 100 56 plus 14 36 plus 4 10 का 0 carry off 1 5 plus 1 6 plus 7 7। तो आप देख रहे हो 770 आ गया, जो कि आपका एक्चुअल डिविडेंड था, ठीक है। अगर यदि आपका एक्चुअल डिविडेंड आ जाता है तो इट मींस क्या है कि आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, इसी तरीके से आपको सेवेंथ
क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। Seventh is 962 divided by 34. ठीक है, तो देखिए 34 वापस से डिवीजन जो आपको बहुत ही पड़ा है, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब आप देखिए 9 इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो वी कैन टेक सेकंड डिजिट, तो 95 9 अब 34 की टेबल इतनी बनाओ 95 से ज्यादा नहीं। 2 4 8 2 3 6 7 34 3 4 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
जो कि 78, 72 फिर 136, तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम हम डिवाइड करेंगे 72, यहाँ 0, देन अगेन 0 एंड साइन प्लस का, माइनस करेंगे 2, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 7 2, 230। अब हमें 34 की टेबल इस हिसाब से करनी है कि आपकी 232 आ जाए या उससे कम हो। 5 4 20 का 0, 2 5 6 15 7, ठीक है। 34 6 4 24 का 4, 10 2, 6 3 18 प्लस 2 34 7 7 4 28 का 8, 10 2, 7 3 21 प्लस 2 23। अब देखिए 238 आया जो कि ज्यादा है, तो 6 टाइम्स भी बैठ जाएगा 204। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोलो 10 माइनस 4 8 और 3 की जगह क्या आ गया 28। अब हम क्या करेंगे कि 36 हो गया ये, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। चेक कर आंसर से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसको आप खुद सेल्फ चेक करेंगे। ओके, आपको खुद को इसका आंसर चेक करना है, it will be correct or not. 8th, okay, 8th question is 847 divided by 18, ठीक है। 847 में हमें 18 का डिवाइड करना है, इसी में ही 8th question है। 847 divided by, तो डिविडेंड इज 847 एंड डिविजर इज 18। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि 18 की टेबल सबको आती होगी, ठीक है। सबसे पहले 8 आप देखोगे, 8 इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो हम सेकंड डिजिट नंबर, सेकंड डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या है, सेकंड डिजिट 4 है, ठीक है। तो अगर 4 है तो ये नंबर क्या बन गया, 84, और 84 जो है वो 18 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें चेक करते हुए आगे करना है कि डिजिट नंबर के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम टेबल को खोलोगे, ठीक है। तो आप 18 की टेबल आपको इतनी बोलिए कि 84 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर टेबल खोलते हैं, 18 बन जा 18, ओके, 18 टू जा 36, ठीक है। आपको ये टेबल इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप लर्न नहीं करोगे टेबल्स को तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। या तो आपको एक ही मेथड है, या तो टेबल्स लिख करके रखो, ठीक है। यदि टेबल्स आप लिख करके नहीं रखते हो तो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम 18 4 72, तो 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 18 5 90 हो जाएगा, तो वो ज्यादा है तो 4 टाइम जाएगा। ओके, इधर हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 लग जाएगा, देन प्लस का साइन 7, ठीक है। 4 माइनस 2 2 20 एंड 8 माइनस 7 127, ठीक है। अब 127
अब 18 की टेबल आपको इतनी बोलनी कि 127 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है? तो 7 टाइम्स जाएगा 100, ठीक है? तो तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है 40 + 7 = 47, ओके? अब आप इसको चेक कर सकते हो डिविडेंड निकालने के लिए, अगर आपका डिविडेंड डेली आ जाता है तो इट मीन्स आपका करेक्ट है। डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही आपको फॉर्मूला लगा करके इसको चेक कराना है। तो चेक करिए इस आंसर को आप फटाफट से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 23 की टेबल बनानी होगी, ठीक है? क्योंकि 23 की टेबल या तो आप डायरेक्टली बोल लीजिए, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई आपको बार बार करा करके देखना होगा। नाइन्थ नंबर 656 / 23, ओके? तो अब 656 में हम 23 का डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि 65 ऑलरेडी बड़ा है 23 से, ठीक है? तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 मतलब कि 23 × 46, 23 × 69, तो 3 टाइम्स ज्यादा है 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है? 46, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी 0 लिखा, प्लस अब हम इसको माइनस कराएंगे 6 - 0 = 6, ओके? 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, 15 - 6 = 9, 5 - 4 = 1, ठीक है? अब आपको 23 की टेबल या तो आप बना लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? हमने 3 तक तो बोला ही था, 4 × 4 = 8 और 1 = 9, 23 × 5 = 115, 23 × 6 = 138, 23 × 7 = 161, ओके? 23 × 8 = 184, और 28 और 23 9 करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो इट मीन्स 8 टाइम्स जाएगा 184, ओके? 6 - 4 = 2, 9 - 8 = 0. अब क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, 28 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 12। तो अब इसका भी आप आंसर चेक करके निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आपका डिविडेंड आप आंसर चेक करके निकालिए, अगर यदि 656 आता है तो इट मीन्स आपका डिविडेंड सही है, और अगर नहीं आता है तो इट मीन्स आपका गलत है, ठीक है? एंड लास्ट इज 10, 945 / 35, ओके? तो इसको भी हम करेंगे। लास्ट इज 10, 945 / 35, ओके? तो डिविडेंड आपका क्या आ गया 945 एंड डिविजर इज 35, ठीक है? तो इसमें आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो 35 की आप टेबल बना सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 7, 94 ज्यादा है 35 से बड़ा है, तो हमें इतनी ही टेबल लिखनी है कि 94 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 105, 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 17, माइनस करेंगे 4 - 0 = 4, यहाँ पे आप 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी 0, देन प्लस, ओके? 5 - 0 = 5, ओके? 9 - 7 = 2, ओके? अब आपको एक टेबल लिखनी है कि 245 से ज्यादा नहीं, 175, 35 = 210,
और आप इसके आंसर को रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। रीचेक करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। रीचेक एक आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि अगर यदि सेम आपका डिविडेंड आ जाता है तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर सेम डिविडेंड नहीं आता है तो इट मीन्स हमारा आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ओके। क्लियर है? अब यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप या तो कल की क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, और या फिर अभी पूछ लीजिए।